सियासत है वो लोकतंत्र का अटूट हिस्सा है, तो एक सियासत फिर से लखनऊ को जीतने के लिए बीजेपी में इस वक्त चल रही है। बीजेपी ने तय कर लिया है कि यूपी विधानसभा के चुनाव में उसका चेहरा, उसका पोस्टर बॉय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। बहुत अटकलें चल रही थी योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर, क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी चुनाव जीती थी तो किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया। चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था, सांसद पद छोड़कर उन्होंने यूपी की कमान संभाली थी, लेकिन इस बार तमाम उठापटक के बाद ये तय हो गया है कि योगी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाना है। इस बात की विस्तार से हम व्याख्या करने वाली अपने सहयोगी पंकज झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिरकार यूपी जीतने का बीजेपी का प्लान क्या है। अपने हाथ केवल ऐसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देव, इन दोनों में हिंदुत्व की एक छाप दिखती है। तो क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में उसी हिंदुत्व को लेकर जाएगी जिसके पोस्टर बॉय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे? भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सोमवार को लखनऊ में बीजेपी और संघ के बीच एक अहम बैठक हुई। उस बैठक में इन सवालों पर मंथन होता रहा कि क्या बीजेपी यूपी में किसी चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या असम फॉर्मूले की तरह चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। इस मंथन में 3 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी में सबसे ज्यादा माथापच्ची चेहरे पर होती रही और फिर तय हुआ कि बीजेपी यूपी में लड़ेगी तो योगी के चेहरे पर। और इसके साथ ही कम से कम बीजेपी के अंदर ही इन कयासों पर फुल स्टॉप लग गया कि नेता कौन होगा। यार भाई जब आएगा चुनाव जीतेंगे उसके बाद चेहरा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा जाएगा, जो भी आएगा स्वागत होगा। उस हाई प्रोफाइल बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा हाजिर थे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दिल्ली से संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी थे और इन सब के आगे आरएसएस से कृष्ण गोपाल। इन सब नेताओं की चर्चा से जो खास बातें निकली उनमें पहली बात ये रही कि चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही लड़ा जाएगा, यानी वही चुनाव में पोस्टर बॉय हो। दूसरी बात यह रही कि पार्टी हिंदुत्व के अपने मौलिक एजेंडे को लेकर ही चुनाव में जाएगी। तीसरी बात यह है कि चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की गूंज सुनाई पड़ेगी। चौथी बात यह है कि इस चुनाव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर होगा। पांचवी बात यह है कि धर्मांतरण और लव जिहाद पर बने कानून की छाप भी चुनाव प्रचार पर दिखेगी। जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, आप सब परिचित हैं। अब बात हिंदुत्व की हो तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ से खूबसूरत चेहरा और क्या हो सकता है? बीजेपी ने पिछला चुनाव प्रधानमंत्री मोदी की छवि, उनके विकास के नारे और हिंदुत्व के कॉकटेल से जीता था, लेकिन इस बार विकास की बात करने में सबसे बड़ी अड़चन कोरोना की दूसरी लहर रही। लोगों के लिए सांसें कम पड़ गई थी, इसीलिए सत्ता की सांसों के लिए जरूरी है कि विकास के रास्ते, दलदली रास्ते पर चलने के बदले हिंदुत्व के फुल प्रूफ रास्ते पर ही चले बीजेपी। बीजेपी इस बार बंगाल वाली गलती नहीं दोहराना चाहती जहां हिंदुत्व का एजेंडा औंधे मुंह गिर गया। आखिर ठेस लगने के बाद आदमी संभल कर चलना सीख जाता है, इसीलिए यूपी हिंदुत्व के एजेंडे पर तो चलेगा लेकिन एक बाईपास सामाजिक समीकरणों का भी होगा जिसमें गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों को साधने पर जोर होगा। वैसे ही सवर्णों में नाराज माने जाने वाले ब्राह्मणों को मनाने की भी चुनौती है। योगी जी का जो इमेज होगा वो एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर पे खड़ा होगा जिसके ऊपर योगी जी का इमेज होगा और नीचे ये सारे तत्व काम करेंगे, जाति,
जो वेलफेयर जो सोशल वेलफेयरिज्म का जो योजनाएं हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इन जातियों को जब आप जगह देंगे तो वो आपके साथ जुड़ेंगे। बीजेपी ने अभी तक यही किया है ना। बीजेपी में पिछले एक महीने से यूपी को लेकर रस्सा कस्ती चल रही है। नाराजगी योगी को लेकर है, ऐसे में उम्मीदों का दांव योगी पर क्यों लगाया गया? योगी यूपी ही नहीं, देश में हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है। योगी का सन्यासी होना और उनकी बेदाग छवि उनके पक्ष में जाती है। उनकी तुलना में कोई दूसरा बड़ा नाम यूपी में दिख भी नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ की खूबियों की बात करें तो उनकी ईमानदारी, विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, हिंदुत्व के प्रति उनकी निष्ठा, प्रशासनिक क्षमता, ये ऐसे गुण हैं जो उन्हें एक आदर्श मुख्यमंत्री बनाते हैं। बंगाल हार चुकी बीजेपी के लिए अब यूपी सबसे अहम है, क्योंकि यूपी की जीत या हार दोनों ही दिल्ली दरबार तक अपना असर दिखा सकती है। एबीपी न्यूज के लिए पंकज झा की रिपोर्ट। दरअसल पिछले महीने भर से ये कयास लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन भी कर सकती है, तो कभी योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरें भी खूब आ रही थी। लेकिन ना यूपी में पार्टी का चेहरा बदल रहा है और ना ही मंत्रिमंडल के चेहरे बदलते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। एक बात बहुत साफ है कि बीजेपी लौटकर योगी के नाम पर आ चुकी है, जैसे समंदर में जहाज से उड़कर कोई चिड़िया फिर वापस उसी जहाज पर बैठ जाती है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। यूपी में जिसकी सरकार होती है उसी की धमक दिल्ली तक पहुंचती है। यूपी के वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, इसलिए भी यूपी बीजेपी के लिए बेहद अहम हो जाता है। बीजेपी के हिंदुत्व और जातियों के सामाजिक समीकरण को बीजेपी ने बेहद अच्छे से साधा है। उस प्रयोगशाला में बीजेपी का नया टेस्ट भी होने वाला है। और बंगाल में बीजेपी की बेहद बुरी पराजय के बाद उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ा राज्य है जहां चुनाव अब होने वाले हैं। बंगाल की हार पर मरहम लगाने का मौका यूपी पार्टी को दे सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इस कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की सरकार पर उनके कामकाज को लेकर बहुत से सवाल खड़े हुए थे, इसीलिए फेरबदल की बातें भी सामने आई थी। लेकिन अब पार्टी को लगता है कि योगी से मजबूत चेहरा उनके पास नहीं है, अगर अभी चेहरा बदला तो लेने के देने ना पड़ जाएं। वैसे लखनऊ में इस वक्त बीजेपी के अंदर घायल संबंधों पर भी मरहम लगाने का काम बखूबी चल रहा है। योगी सरकार के बने 4.25 साल हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल अगल बगल के बंगले में रहते हुए भी एक दूसरे के घर में कभी झांकने नहीं गए इन 4.5 सालों में। अब केशव मौर्य के बेटे बहू को आशीर्वाद देने के बहाने ही सही योगी आज अपने डिप्टी सीएम के घर गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, केशव मौर्य के बेटे बहू खड़े इन तस्वीरों में, उनको आशीर्वाद दिया। न सिर्फ योगी बल्कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, बीजेपी आरएसएस की, वो तमाम नेता इन तस्वीरों में आपको दिख सकते हैं। इस विजिट का, इस जाने का राजनीतिक मतलब क्या है, ये समझाएंगे आपको मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी अपनी इस खास रिपोर्ट में। बस एक दीवार का फासला, लेकिन अपने उप मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 4.25 साल लग गए। अब बेटे की शादी के बहाने ही सही केशव प्रसाद मौर्य के घर योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो कयास लगाया जाने लगा कि रूठे हुए केशव को मनाने और अपने नाम पर रिझाने के लिए योगी पहुंचे थे। लेकिन इस पर योगी सरकार के मंत्री क्या दलील दे रहे हैं, इसे सुन लीजिए। पहली बार उनका जाना हुआ है, अगल बगल के घरों में रहते हैं, लेकिन पहला ऐसा मौका था जब योगी जी पहुंचे। आप कहना चाहते हैं केशव जी के बेटे की बार बार शादी कर देनी चाहिए थी। बेटा एक है, शादी जब होगी तो जाएगा आदमी। यानी शादी होगी तभी बीजेपी के नेता एक दूसरे के घर जाएंगे। वैसे राजनीति के बोझ की भी अपनी अहमियत है। एक घंटे तक केशव के घर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रभारी राधा मोहन सिंह, संघ के संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मौजूद रहे। खाना जितना जायकेदार था उससे ज्यादा चुनावी साल में रिश्तों में मिठास लाने की चुनौती है।
यूपी में जब से योगी सरकार बनी है तभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बाद कई बार खुलकर सामने भी आ चुके हैं और पिछले दिनों जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य योगी को इशारों इशारों में चुनौती दे रहे थे उससे केंद्रीय नेतृत्व के भी कान खड़े हो गए। अब मेल मिलाप का दौर जारी है। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमारी सरकार चल रही है और 2022 में जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव के समय जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है जो तय करेगा उसके हिसाब से हम लोग सब मिल करके काम करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मौर्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष थे। राज्य में 17% ओबीसी वोट को बीजेपी के साथ माना जाता है जिन्हें जोड़ने में मौर्य की अहम भूमिका रही। इसीलिए जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मौर्य की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी, लेकिन उनकी उम्मीदों की हवा खुद अमित शाह ने उसी वक्त निकाल दी थी। उस वक्त शाह के इस बयान के कुछ देर बाद ही मौर्य की तबीयत बिगड़ गई थी। अब बीजेपी जानती है कि अगर मौर्य नाराज रहे तो सूबे में बीजेपी की तबीयत बिगड़ सकती है। उस वक्त केशव को उप मुख्यमंत्री के पद पर ही संतोष करना पड़ा था, लेकिन उससे ज्यादा उनकी नाराजगी इस बात से रही कि डिप्टी सीएम होने के बावजूद उनको तवज्जो कम मिलती रही। एबीपी न्यूज के लिए लखनऊ से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के पोस्टर बॉय यानी यूपी का सबसे बड़ा चेहरा कोई पार्टी के पास है तो वो योगी आदित्यनाथ है, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन केशव मौर्य को कैसे समझाया जाए, आपको केशव और योगी के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन राजनीति में कब दोस्त दिखने वाला भी खेल करने लगे ये कहना मुश्किल होता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और केशव प्रसाद मौर्य उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री, लेकिन पहले दिन से इन दोनों नेताओं के बीच तनातनी की खबरें लगातार आती रही हैं। 2017 में सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य की नेम प्लेट एनेक्सी मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा दी गई थी। विवाद बढ़ने पर दोनों लोगों का कार्यालय सचिवालय स्थित विधान भवन में स्थापित किया गया था। मौर्य के पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है जिसके कामकाज की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने लगे थे और ये भी आरोप लगने लगे कि चीफ इंजीनियर की नियुक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय से होने लगी थी जो कि केशव को पसंद नहीं आई। मुख्यमंत्री योगी पीडब्ल्यूडी के कामकाज की समीक्षा करने लगे तो केशव प्रसाद मौर्य ने पलटकर सीएम योगी के अधीन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी, आप सबको याद होगा। मुख्यमंत्री योगी पर दर्ज मुकदमे वापस होने लगे, लेकिन जब केशव मौर्य की बारी आई तो फाइलें इधर उधर होने लगी, लटकने लगी। अब तब खबर आई कि पीएमओ के दखल के बाद मौर्य के खिलाफ दर्ज जो मुकदमे थे, राजनीतिक मुकदमे, वो यूपी सरकार ने हटाए थे। राजनीति में खेल ऐसे भी होता है, लेकिन चुनाव के खेल में एक तरफ वोटरों को रिझाना पड़ता है तो दूसरी तरफ नेताओं को भी साधना पड़ता है। यूपी समेत कई राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसा कि हम बार बार बोलते आ रहे हैं, जो कुछ यूपी में होता है उसका असर दिल्ली में दिखाई देता है क्योंकि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर आता है। इसीलिए मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खूब खबरें चल रही हैं और अब ये दिखाई दे रहा है कि विस्तार लगभग मुहाने पर है। किन चेहरों को जगह मिल सकती है इस विस्तार में और क्यों मिल सकती है, ये आपको जरूर जानना चाहिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जो फाइल की है मेरे सहयोगी नीरज पांडे ने। जहां चुनाव वहां मंत्रियों पर दाव। जी हां, मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर एबीपी न्यूज को उच्च स्तरीय सूत्रों से कुछ खास जानकारी मिली है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां से मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से 3, उत्तराखंड से 1, गुजरात से 1, गोवा से 1, हिमाचल प्रदेश से 1 और पंजाब से 1 नए चेहरे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। साथ ही ये कोशिश भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार क्षेत्रीय दलों को साधा जाए।
वैसे ही जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा जा सकता है। इसके तहत यूपी के पूर्वांचल से एक ब्राह्मण चेहरे को मौका मिल सकता है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कलराज मिश्र और शिव प्रताप शुक्ल मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस दूसरे कार्यकाल में गोरखपुर बेल्ट से किसी को मौका नहीं मिला, जबकि शिव प्रताप शुक्ल, हरीश द्विवेदी, रमापति राम त्रिपाठी, सीमा द्विवेदी, विजय दुबे, रवि किशन शुक्ल, हरिद्वार दुबे जैसे ब्राह्मण सांसद पूर्वांचल से आते हैं। बीजेपी के लिए इस बार यूपी में ब्राह्मणों को साधने की चुनौती है। वैसे ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसी ओबीसी और किसी अनुसूचित जाति के नेता को भी जगह दे सकती है। पार्टी ओबीसी चेहरे के रूप में बांदा से सांसद आरके सिंह पटेल, एसपी बघेल, रेखा वर्मा में से किसी एक पर दांव लगा सकती है, जबकि अनुसूचित जाति से पूर्व आईपीएस और दलित नेता ब्रजलाल, विनोद सोनकर या बीपी सरोज में से किसी एक की लॉटरी लग सकती है। यूपी के दो क्षेत्रीय दल अपना दल और निषाद पार्टी के एक एक नेता को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसकी भनक तो उसी दिन मिल गई थी जिस दिन अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब अगर यूपी से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों की तरफ देखें तो उत्तराखंड से अनिल बलूनी या अजय टमटा में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है। पंजाब से दलित नेता और मोदी सरकार में राज्य मंत्री सोमनाथ को प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इनके अलावा मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बन सकते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ से रमन सिंह या सरोज पांडे में से एक की किस्मत चमक सकती है। पश्चिम बंगाल से निशीथ प्रमाणिक या दिलीप घोष में से किसी के नाम की लॉटरी निकल सकती है, जबकि बिहार में बीजेपी के सुशील मोदी, जेडीयू से आरसीपी सिंह और ललन सिंह और एलजेपी के बागी गुट के पशुपति पारस को मौका मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश से वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को प्रमोट कर स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। असम से सर्बानंद सोनोवाल को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावनाएं हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली आगमन को भी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। ये सारे नाम चर्चा में हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में किसी जगह मिलेगी ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और इसलिए इंतजार उनके फैसले का। दिल्ली से नीरज पांडे की रिपोर्ट। तो देखा आपने हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक समीकरणों को ठीक बिठाने की कोशिश में बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगी हुई है। ABP News आपको रखे आगे।